अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम आलू पूरी भाजी बनाएंगे जो बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। जिसके लिए हम आटा लिए हैं, 250 ग्राम आटा ले लिए हम, नमक लिए आधा चमचा, अजवाइन लिए थोड़ा सा, आलू भी हम पाव किलो लिए, इसको छोटे टुकड़ों में काट के रख लिए, 2 से 3 हरी मिर्ची लिए, अदरक लहसुन लिए हम आधा चमचा, चिली फ्लेक्स लिए आधा चमचा, हल्दी लिए आधा चमचा, नमक लिए 1 चमचा, लाल मिर्ची पाउडर लिए आधा चमचा, धनिया पाउडर लिए आधा चमचा, ज़ीरा पाउडर लिए आधा चमचा, कलौंजी लिए थोड़ी सी और कसूरी मेथी लिए थोड़ी सी। ये सारा हम सब्ज़ी में डालेंगे। पानी लिए हसबे ज़रूरत। अभी हम आटा लगा लेंगे। ये सारा हम इसमें डाल लेंगे, नमक भी और अजवाइन, मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से और इसका डो बना लेंगे। इस तरह से हमको टाइट करना है इसको। इस तरह से हमको टाइट डो लगाना है। अभी इसको हम साइड में रख देंगे, भाजी बनाने जाएंगे। कुकर रख लिए हम, इसमें 50 ग्राम तेल डाल लिए, 2 लाल मिर्ची, 3 तेज़पत्ता ये हम डाल लेंगे। इसको चटकने देंगे। हम मसाले भी डाल देंगे। मिक्स करेंगे अच्छे से। जो आलू है ये भी डाल लेंगे। पानी भी डाल लेंगे हम, 1 गिलास पानी डाल लिए हम। अभी इसको पकने देंगे 2 सीटी। देखिए 2 सीटी लगा लिए हम इसको। अभी ये गल गया है तकरीबन। अभी थोड़ा मैश कर लेंगे हम इसको, थोड़ा मैश करेंगे ताकि ये ग्रेवी वाला बने इस तरह से। हल्का हमको करना है, बहुत सिंपल है ये रेसिपी। अभी ये कंप्लीट है, इसको थोड़ा पका के हम निकाल लेंगे। हमारी भाजी तैयार हो गई। अभी हम पूरियां बना लेंगे। ये साफ कर लेंगे प्लेटफॉर्म हमारा अच्छे से। अभी हमारा डो भी तैयार है। इस पर थोड़ा सा तेल डालेंगे इसको अच्छे से, फिर से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से छोटे छोटे बॉल बनाएंगे। ये साइज के हम बना लेंगे। इस तरह से इसको बेल लेंगे हम हल्के हाथों से। इतनी हमको मोटी रखना है, ज़्यादा पतली नहीं करना है। ये रख लेते जाएंगे हम सारे, इसी तरह से हम बेल लेंगे। हमको सूखा आटा नहीं लगाना है, नहीं तो ये तेल ज़्यादा पी लेंगे। इसी तरह से हमको बेल बेल के रखना है। तेल रख लिए हम, 300 ग्राम तेल है ये, गरम होने के लिए रख लिए। अभी हम पूरी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरम होना चाहिए तेल हमारी पूरी तलने के लिए। इस तरह से हमको तलना है पूरी।
देखिए अब ये हमारी पूरी फूल गई अच्छे से। दूसरी भी हम इसी तरह से करेंगे। इसको डालेंगे, इसको भी इसी तरह से कुछ करेंगे। बहुत आसान रेसिपी है ये और बहुत टेस्टी बनती है। दो दो करके हम तलेंगे, इसको पलटा लेंगे। तेल गरम होना चाहिए हमको, नहीं तो ये तेल पी जाएंगे। देखिए माशाल्लाह अभी दो रेडी हो गए, हम निकाल लेंगे इनको। इसी तरह से हम सारे तल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स अभी हमारी आलू पूरी भाजी बनके तैयार है, झटपट से बहुत टेस्टी बनती है। आप लोग भी बनाइए। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। जैसा करना।